हेलो एवरीवन दोस्तों, आज 23 अक्टूबर 2023 के जो है डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो शुरू करेंगे आज का सेशन, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा दोस्तों भारत का कौन सा जो गांव है उसको जो है बेस्ट टूरिज्म विलेज का जो दोस्तों टैग या कह लीजिए उसे उस अवार्ड से नवाजा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों चार ऑप्शंस हैं, ढोडा विलेज, लिपाक्षी विलेज, हम्पी या रेक विलेज। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो ढोडा विलेज है। और ये जो ढोडा विलेज है दोस्तों, यहाँ पर जो है भाई टूरिज्म को लेकर इन्होंने अपनी जो कल्चरल डाइवर्सिटी को जो है प्रोटेक्ट कर करके रखा। और ये दोस्तों जो विलेज है गुजरात के कच्छ जो है डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, और बेस्ट टूरिज्म विलेज का WTO द्वारा इसे अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि देश में पहला जो रीजनल रैपिड रेल रिसेंटली प्रधानमंत्री द्वारा जो लॉन्च की गई है दोस्तों जो है इसका नाम क्या है, विच इज द कंट्री फर्स्ट रीजनल रैपिड रेल। नमो रैपिड एक्स, वंदे भारत, नमो भारत या वंदे मेट्रो। यहाँ पर सबसे पहले तो बता दूं दोस्तों, जैसे भारत में मेट्रो की शुरुआत जो है काफी समय पहले हुई थी, और आज भारत के कई सारे शहर जिसमें सबसे पहले तो ये कलकत्ता में हुई थी, फिर दिल्ली की बात करें, मुंबई की बात करें, लखनऊ की, कई सारे शहरों में, कोची में ये ऑलरेडी मेट्रो आ चुकी है दोस्तों। उससे भी ज्यादा फास्ट और उससे भी ज्यादा एक्यूरेट, एक्यूरेट का भाव है दोस्तों जिसमें बिल्कुल भी आवाज नहीं आती। तो ये रेल योजना, रैपिड रेल योजना जो है शुरू हुई है, और इसका नाम जो रखा है वंदे भारत। और दोस्तों ये जो वंदे भारत का पहला जो रूट है वो दिल्ली से मेरठ के बीच 282 किलोमीटर का है, और इसका पहला 17 किलोमीटर का जो स्ट्रेच है वो रिसेंटली ही नरेंद्र मोदी जी ने जो है 20 अक्टूबर को वो लॉन्च किया है। और दोस्तों ये 82 किलोमीटर का सफर सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट में ये रैपिड रेल है वो पूरा करेगी। RRTS भी आपको पूछा जा सकता है, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। जिन बच्चों को दोस्तों ना पता हो, यहाँ पर भाई मुझे लगता है वंदे भारत की बजाय दोस्तों उसका नाम नमो भारत है, मैं यहाँ पर सी आंसर लिखना चाहूंगा, नोट बी, ठीक है। और दोस्तों ये जो नमो भारत है, नमो भारत का मतलब जो है यहाँ पर दोस्तों वो नरेंद्र मोदी भारत जो है वो नाम रखा गया है। फिर अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे 2023 कब सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों ये हर साल 20 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है वर्ल्ड स्टैटिक्स डे। और दोस्तों ये जो अगर हम बात करें भारत में नेशनल स्टैटिक्स डे जो है हम 29 जून को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि हमारे बड़े ही महान जो स्टैटिशियन PC महलानोबिस का इस दिन जन्म होता है, लेकिन वर्ल्ड स्टैटिक्स डे जो है वो 20 अक्टूबर सेलिब्रेट होता है। साथ ही साथ अब तक तो आपको याद ही हो गए होंगे अक्टूबर के सारे इंपॉर्टेंट डेज, लेकिन फिर भी आपको 2-3 डेज मैं जरूर बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहला तो मैं बात करना चाहूंगा कि दोस्तों 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे होता है, और वर्ल्ड फूड डे का जो थीम है वो है वॉटर इज लाइफ, वॉटर इज फूड, नो वन लीव बिहाइंड। और दोस्तों ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो है भारत का जो रैंक है वो है 111। एक तो आपको ये याद रखना है। दूसरा दोस्तों अगर मैं बात करूं 8 जो है अक्टूबर की, 8 अक्टूबर को दोस्तों जो एयरफोर्स डे होता है, इस साल उसका सेलिब्रेशन प्रयागराज में किया गया था, ये भी आप याद रखें, ये दोनों ही बड़े महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है इन द कैम्ब्रियन पेट्रोल मिलिट्री एक्सरसाइज 2023। दोस्तों ये किस कंट्री में ऑर्गेनाइज की गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर गोल्ड मेडल जो है दोस्तों अगर हम बात करें, ये रिसेंटली रिसेंटली ही यहाँ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं भाई, इंडियन आर्मी ने गोल्ड मेडल जीता, और दोस्तों ये USA में रिसेंटली है दोस्तों इसको ऑर्गेनाइज जो है वो किया गया था, और ये कैम्ब्रियन पेट्रोल। और यहाँ पर आप देख रहे हैं भारतीय सेना का जो दल है यहाँ पर जो है इसको गोल्ड मेडल जो है मिला इनके बेस्ट जो ट्रेनिंग के लिए दोस्तों, बेस्ट डिसिप्लिन के लिए। फिर इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताएं इनमें से तीसरा स्टील्थ डिस्ट्रॉयर शिप दोस्तों रिसेंटली जो है जिसको भारतीय नेवी में इंक्लूड किया गया अंडर प्रोजेक्ट 15B, उसका नाम क्या है। तो उसका जो सही नाम है दोस्तों वो इम्फॉल है। इम्फॉल मैं बता दूं ये डिस्ट्रॉयर का नाम है, इम्फॉल ऑलरेडी मणिपुर की कैपिटल का भी नाम है दोस्तों, और प्रोजेक्ट 15B के तहत भारतीय नेवी में अब इसको इंक्लूड कर लिया गया है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अभियान चक्कर 2 इनमें से किससे रिलेटेड है। तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो CBI है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है दोस्तों। उसमें एक नए मिशन के तहत
जिसके तहत जो है सीबीआई दोस्तों जो है भाई एक दोस्तों पूरे जो है देश में एक अभियान जो है शुरू करने वाली है। और ऐसे हमने कई बार देखा है सीबीआई ईडी द्वारा दोस्तों जो है जनहित में लोगों की बेटरमेंट के लिए और दोस्तों किसी स्पेसिफिक पर्पज से कोई ना कोई अभियान चलता है, और इस बार ये जो अभियान है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अभियान चक्कर टू शुरू किया है। फिर अगला क्वेश्चन है होप इनिशिएटिव रिसेंटली जो है किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया। दोस्तों ये जो होप इनिशिएटिव है इसका जो सही उत्तर है वो ए पंजाब है। अगर हम बात करें दोस्तों ये आनंदपुर साहब में जो कि पंजाब का एक बड़ा मशहूर शहर है, श्री केसगढ़ साहब गुरुद्वारा साहब में हजारों बच्चों की मौजूदगी में वहां के भगवंत मान सीएम है उन्होंने ये लॉन्च किया। पर्पज है इस दोस्तों मोटिव के साथ इनिशिएटिव के साथ कि बच्चों को नशों के खिलाफ जो है अवेयरनेस फैलाई जा सके और वो सही रास्ते पर अपनी जिंदगी को अपने देश के लिए बलिदान करने के लिए डेवलपमेंट के लिए अपने आप को तत्परित करें। इस पर्पज से इसकी शुरुआत जो है वो की गई है। इसका नाम जो है आप फिर देख लें एक बार, होप इनिशिएटिव। फिर दोस्तों अपार अकाउंट रजिस्ट्री जो रिसेंटली चर्चा में थी किससे जुड़ी हुई है, कैपिटल मार्केट, ऑटोमोबाइल, क्रिप्टो करेंसी, एकेडमिक्स? तो इसका दोस्तों सही जो उत्तर है वो डी एकेडमिक्स है। सबसे पहले तो आप देख लें दोस्तों अपार जो है वो वन नेशन वन स्टूडेंट आईटी का एक हिस्सा है जिसको फुल फॉर्म दिया गया है ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। इसे भाव क्या है दोस्तों, इसमें गवर्नमेंट चाहती है जैसे हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, वन नेशन वन दोस्तों टैक्स की बात करते हैं, वन नेशन वन इलेक्शन, वैसे गवर्नमेंट चाहती है वन नेशन वन दोस्तों स्टूडेंट स्टूडेंट कि अगर देश में कोई बच्चा एक बार किसी भी स्कूल में एडमिशन लेता है उसकी एक आईडी बननी चाहिए और भविष्य में वो किसी भी स्कूल में जाए किसी भी स्टेट में जाए तो दोस्तों उसका पूरा रिकॉर्ड रजिस्ट पूरे सर्टिफिकेट एक आईडी के ऊपर डिजिटल फॉर्म में हो ताकि दोस्तों बार बार उसको जो है हर जगह जो है उसकी परफॉर्मेंस को लेकर जो है उसको बताना ना पड़े, उसके सर्टिफिकेट्स को ना एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना पड़े। तो याद रखें अपार का फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। और याद रखें दोस्तों ये हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री द्वारा रिसेंटली जो है इसकी शुरुआत की गई है। फिर आयुर्वेदा डे, दोस्तों वैसे तो आयुर्वेदा डे नवंबर में आएगा लेकिन पहले ही उसका थीम सोच लिया गया है और इसका जो थीम है इस बार वो है आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ, और ये हर साल जो है 10 नवंबर को है दोस्तों सेलिब्रेट किया जाता है। और पहले ही गवर्नमेंट ने जो हमारी आयुष मिनिस्ट्री है, आयुष का मतलब है आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथिक, दोस्तों आयुष ने जो है ये आयुर्वेदा फॉर वन हेल्थ के का जो है थीम इस बार दे दिया है। थीम की अगर मैं बात करूं, इंटरनेशनल वाटर डे, इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल अर्थ डे या फिर फूड डे, इन सभी के थीम जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर अगला क्वेश्चन है अमृतकाल विजन 2047 जो दोस्तों रिसेंटली अनवील किया गया वो किस जो है फील्ड से रिलेटेड है। तो भाई इसका जो सही उत्तर है दोस्तों मैरिटाइम इंडस्ट्री। रिसेंटली ही ग्लोबल मैरिटाइम दोस्तों इनिशिएटिव जो है जिसमें दुनिया भर की बेस्ट मैरिटाइम इंडस्ट्रीज जो है कंपनीज वो आई थी, ये मुंबई में आयोजित किया गया और इसमें नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल तौर पर हिस्सा लिया। वहां पर दोस्तों भारत का 2047 को लेकर जब हम भारत अपने 100 ईयर सेलिब्रेट कर रहा होगा आजादी के, हमारे क्या टारगेट्स होने चाहिए, क्या क्या इनिशिएटिव्स जो हमें लेने चाहिए, किन किन को हम अचीव कर पाएंगे, या आप कह लीजिए ब्लू इकोनॉमी को लेकर हमारी जो भविष्य है उसके बारे में जो है कल नरेंद्र मोदी जी ने बात की। साथ ही साथ इसी मौके पर उन्होंने बताया कि भारत की पूरी कोशिश है कि हम भारत का अपना स्पेस स्टेशन भाई अंतरिक्ष में 2035 और चंद्रमा तक अपना पहला एस्ट्रोनॉट 2040 तक है वो भेज पाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ है आज का ये सेशन समाप्त हो रहा है। आई होप सो सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगे तो इसे शेयर लाइक जरूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।